हेलो फ्रेंड, आपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स फाइल रिटर्न या बैंक अकाउंट के पर्पस पर बेसिक तौर पे यूज किया होगा। आपको पता होगा कि पैन कार्ड नंबर हमेशा 10 अंकों का होता है, लेकिन वो 10 अंक क्या कहते हैं तो सुनिए। सबसे पहले 5 अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद 4 अंक नंबर होते हैं और लास्ट में एक अल्फाबेट होता है। जो पहले 5 अल्फाबेट है उसमें से 3 अल्फाबेट सीरीज के होते हैं, जो AAA से ZZZ तक जाते हैं। जब 4 नंबर का अल्फाबेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आप कौन है वो बताता है। जैसे P लिखा होगा तो इंडिविजुअल, C होगा तो कंपनी, H होगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, A होगा तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, B होगा तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, G होगा तो गवर्नमेंट एजेंसी, J होगा तो आर्टिफिशियल जुरिशियन पर्सन, L होगा तो लोकल अथॉरिटी, F होगा तो फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, T होगा तो ट्रू। उसके बाद 5 नंबर का अल्फाबेट आपकी सरनाम बताता है। उसके बाद आते हैं जो नंबर अनुक्रम नंबर बताते हैं, 0001 से 9999 तक जाते हैं और लास्ट में 10 नंबर का अल्फाबेट अनुक्रम से ही जुड़ा होता है।